very high frequency and ultra high frequency in extended coverage area. देखिए क्या होता है कि अगर area बड़ा होता है, जहाँ से base station को mobile unit तक पहुँचाने में अगर signal पहुँचाना है और area बहुत extended है, तो उस case में क्या होगा? जो desired area होता है, जो coverage area होता है, अगर वो ज़्यादा होता है, तो उसके लिए एक additional base स्टेशन की जरूरत पड़ती है और जो कनेक्टेड करता है ऑपरेटर्स को और इसमें कंसोल्स जो वायर्स होती हैं कंसोल्स होते हैं ऑपरेटर उसकी जरूरत पड़ती है. जो बेस स्टेशन होगा वो क्या होगा ऑपरेट करेगा इंडिपेंडेंटली और उसका जो वो जो ऑपरेटर होगा उसमें रेडियो रिपीटर्स लगे होते हैं जो लिंक करते हैं. इसमें एक अनदर फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है क्योंकि अगर सेम एरिया है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है लेकिन अगर एरिया एक्सटेंडेड है तो एक और एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है जरूरत पड़ती है मेन स्टेशन और रिपीटर स्टेशन के बीच में. जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसमें लोकल बेस स्टेशन होता है और एक रिपीटर स्टेशन होता है. अब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में जो कम्युनिकेशन होता है एक तो है लोकल बेस स्टेशन, ये स्टेशन लोकल बेस स्टेशन है और जो दूसरा जिसमें होगा लोकल बेस जो कि F1 से जिसे शो किया गया है फ्रीक्वेंसी है उसकी F1, इसमें होगा रिपीटर लिंक जो ये भी F1 से या इन फ्रीक्वेंसी है जो इसकी इसकी भी F1 ही है. और दूसरा इसका थर्ड पार्ट होगा जो कि है ऑपरेटर कंसोल. ऑपरेटर कंसोल जो कि बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड होता है तो ये करता है कि लीज पे देता है वायर्स को यानी कि वायर लाइन के थ्रू ये बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड होगा और ये लीज टेलीफोन लाइन होती है जो कि एक्सटेंडेड कवरेज एरिया के लिए यूज की जाती है. और दूसरा एरिया है ये एरिया जो कि एक रिपीटर बेस स्टेशन कवरेज एरिया है. इसमें जो रिपीटर बेस होगा उसको भी F1 फ्रीक्वेंसी से ही शो किया गया है और मोबाइल यूनिट को भी F1 से ही शो किया गया है लेकिन जो इसका रिपीटर लिंक होगा उसको F2 से शो किया गया है क्योंकि इसमें एक अनदर फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है जो कि लिंक करने का काम करती है. अब देखिए एरिया नंबर 1 और एरिया नंबर 2 से इन्हें डिनोट कर दिया गया है. लो बेस स्टेशन जो कि एरिया नंबर 1 है और रिपीटर बेस स्टेशन कवरेज जिसको एरिया नंबर 2 से शो किया गया है. इसमें हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं जिसमें यानी अगर मान लीजिए कोई व्हीकल जो कि एरिया नंबर 2 में मूव कर रहा है लेकिन जिसने कनेक्ट करना है वो एरिया नंबर 1 में है तो उस टाइम में एरिया थोड़ा एक्सटेंडेड एरिया होगा तब कनेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है. अगर हमारा जो व्हीकल है एरिया नंबर 2 में मूव कर रहा है इस केस में क्या होगा कि जो बेस स्टेशन होगा वो ऑपरेट करेगा अपनी फ्रीक्वेंसी F1 पे जो कर रहा होगा उसे ऑफ करेगा और ट्रांसमिट करेगा एक रिपीटर लाइन फ्रीक्वेंसी को यानी कि यहाँ से जो सिग्नल जाएगा वो रिपीटर लिंक F2 पे जाएगा. ये सिग्नल जाएगा जो कि F2 पे जाएगा रिपीटर लिंक पे यानी इस एरिया से इस एंटीना से इस एंटीना पे सिग्नल जा रहा है तो रिपीटर स्टेशन रिसीव करेगा कंट्रोल सिग्नल को अपनी फ्रीक्वेंसी पे जो उसकी फ्रीक्वेंसी है F2 उस फ्रीक्वेंसी पे उसे रिसीव करेगा जो कि इसमें यूज हो रही है तो फिर उसको रीट्रांसमिट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी पे जिस पे वो पहले था यानी कि F1 पे फिर उसे रीट्रांसमिट करेगा ताकि कनेक्शन बना रहे अगर एक्सटेंडेड कवरेज एरिया होता है. जैसे ये प्रोसेस हो रहा है ऐसे ऑपोजिट प्रोसेस भी होता है यानी कि अगर व्हीकल इस एरिया की बजाय इस एरिया में मूव कर रहा है तो ये अपना सिग्नल ट्रांसमिट करेगा इस एंटीना को तो ये वाइस वर्सा होता है केस होता है यानी कि ट्रांसमिशन भी हो सकती है रिसीप्शन भी हो सकती है. ये डिपेंड करता है कि व्हीकल कहाँ पे मूव कर रहा है. जो मोबाइल यूनिट अगर दूसरा केस देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई कि अगर व्हीकल एक ओवरलैप एरिया में है यानी ये दोनों एरिया जो कि लो बेस स्टेशन और रिपीटर बेस स्टेशन है
अगर ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या रहेगा। एक तो हमने पहले एरिया की बात की और दूसरे एरिया की बात की, तो सिग्नल ट्रांसमिट करके हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों ओवरलैप, दोनों स्टेशन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो किसका लिंक लेगा? मोबाइल। मोबाइल यूनिट अगर ओवरलैप एरिया में आती है, यानी इसका मतलब है कि वो दो रिपीटर स्टेशन के बीच में है इस एरिया में, तो मतलब कि वो दो स्टेशन के बीच में मूव कर रहा है या खड़ा है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा कि जो भी हमारे कंसोल होते हैं, ये वाले कंसोल, वो इस चीज को कंट्रोल करते हैं, यानी वो क्या करते हैं, डिसेबल कर देते हैं सारे इंटरफेरेंस को, और जो हमारे कंट्रोल कंसोल होते हैं, और सिर्फ एक रिपीटर को छोड़ के बाकी सबको डिसेबल कर देते हैं। और जब तक कन्वर्सेशन चलती है तब तक वो ऑफ रहते हैं, सिर्फ एक रिपीटर को छोड़ के जिसको जिसपे वो वर्क कर रहा है। और ये सब कुछ एक कोड टोन सिग्नल की वजह से होता है। इसमें स्विचिंग ऑफ होते हैं एक डिजायर रिपीटर स्टेशन, और जब कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाती है तो पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क रिस्टोर हो जाता है। जो भी रिपीटर लिंक होगा उसकी फ्रीक्वेंसी 50 किलोमीटर तक होती है, रिपीटर लिंक की फ्रीक्वेंसी। और जो डिटेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट की, FM की, इसमें रिसीव की यूनिट सिचुएटेड होती है एक टू चैनल्स में सेम फ्रीक्वेंसी पे, और ट्रांसमिट जो ट्रांसमिशन होती है इसमें देखिए F1 बेस होता है और F1 ही रिपीटर होता है, यानी कि ये जो बेस है और ये रिपीटर है, और यहाँ पे भी रिपीटर बेस F1 है, मोबाइल यूनिट भी F1 है। जो रिपीटर लिंक है वो F2 से हो रहा है, और यही अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एक्सटेंडेड कवरेज एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।